तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज कर रहे हैं और Redmi के मोबाइल का जो पावर बटन है वो पावर बटन आपका खराब हो चुका है, तो उसके चलते क्या होता है कि आप अपने मोबाइल को ना यहाँ पे पावर ऑफ कर पाते हैं, और अगर आपका मोबाइल यहाँ पे पावर ऑफ हो जाता है तो देन उसके बाद विदाउट पावर बटन को यूज किए हुए अपने मोबाइल को यहाँ पे ना ऑन कर पाते हैं। तो इसी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपका ये पावर बटन खराब हो चुका है तो विदाउट पावर बटन को यूज किए हुए अपने मोबाइल को पावर ऑफ भी कर पाइएगा, और अगर आपका मोबाइल यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है तो आप यहाँ पे पावर बटन को बिना यूज किए हुए अपने मोबाइल को यहां पे ऑन भी कर पाइएगा। और ये 100% दोस्तों आपका यहां पे वर्किंग करने वाला है, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहां पे दिखाऊंगा कि कैसे आप इस सेटिंग को इनेबल करके दोनों फीचर को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना। चलिए दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि Redmi के मोबाइल को पावर बटन यूज किए हुए आप अपने मोबाइल को कैसे यहां पे स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आपका मोबाइल यहां पे लॉक हो जाता है तो आप यहां पे डबल प्रेस कीजिएगा तो आपका यहां पे जो मोबाइल है स्क्रीन ऑन ही नहीं होता है, जिसके चलते आप यहां पे फिंगरप्रिंट या पासवर्ड को यूज नहीं कर पाते हैं। यहां पे देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन या अप बटन भी यूज कीजिएगा तो ये यहां पे ऑन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, तो यहां पे सबसे पहले तो इसका स्क्रीन ऑन वाला ऑप्शन को इनेबल करना है। तो अगर आपका ये वर्क नहीं करे तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको यहां पे चार्ज में लगाएं, आपको यहां पे पावर सप्लाई देना है, पावर सप्लाई दीजिएगा, स्क्रीन यहां पे ऑन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों स्क्रीन ऑन होने के बाद सबसे पहले तो मोबाइल को आपको यहां पे ऑन कर लेना है। ये आप यहां पे देखिए पासवर्ड डाल के आप यहां पे ऑन कर सकते हैं, पहला चीज यहां पे ये कीजिए। उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे दोस्तों आप यहां पे जाइएगा, जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद इस प्रकार का आपको यहां पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप यहां पे देखें तो एक ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू वैक ऑन टर्न ऑन स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक, इस ऑप्शन को अगर आप यहां पे ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आपका यहां पे मोबाइल अगर लॉक हो जाता है, मान लीजिए कि आपका यहां पे कुछ सेकंड में लॉक हो गया है, तो लॉक होने के बाद अगर आप यहां पे डबल टैप कीजिएगा तो स्क्रीन यहां पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे पासवर्ड डाल के यहां पे अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला सेटिंग ये करें, उसके बाद यहां पे पावर ऑफ वाले ऑप्शन को लाने के लिए आप दो तरीके से यहां पे ला सकते हैं। पहला सेटिंग तो ये है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाए, देन उसके बाद अगर आप यहां पे जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, और वो ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का। इस ऑप्शन में जाइएगा तो आपको क्विक बॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करें और क्विक बॉल को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और इसमें यूज कीजिएगा तो प्रीफेर जेस्चर वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसमें अगर आप यहां पे देखें तो टैप वाले ऑप्शन को इनेबल करें और सिलेक्ट शॉर्टकट वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको यहां पे अपना जो पावर ऑफ वाला ऑप्शन को यहां पे इनेबल कर लेना है। कैसे इनेबल कर सकते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रकार का आपका यहां पे ऑप्शन देखने मिलेगा, और नीचे में जाइएगा तो यहां पे देखिए आपको लॉन्ग प्रेस द पावर बटन का ऑप्शन देखने मिलेगा। पावर बटन को आप यहां पे ला सकते हैं, इसको जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा ये ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। और मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे यहां से बैक होता हूं ये आप यहां पे देखिए ये ऑप्शन देखने मिलेगा, और यहां पे लॉन्ग प्रेस दोस्तों जैसे आप यहां पे कीजिएगा तो आप यहां पे देखिएगा आपको रिबूट और पावर ऑफ वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो सिंपली क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए, देन एडिशनल सेटिंग में जाए, और उसके बाद आप देखिएगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने बाद आपको जनरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने बाद एक्सेसिबिलिटी मीनू वाले ऑप्शन में जाना है, देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मीनू शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को दोस्तों आपको यहां से ऑन कर लेना है। देन आप यहां पे अलाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे देखिए एक एक्सेसिबिलिटी मीनू वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, और इस ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने बाद देखिए आपको यहां पे पावर वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसको यूज करके आप अपने मोबाइल को यहां पे पावर ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन लगाना है तो आप यहां पे लॉक स्क्रीन भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पे देखने मिल जाता है। तो सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल को अगर आपको रिबूट करना है रिबूट कीजिएगा तो मोबाइल ऑफ होकर आपका ऑन हो जाएगा। पावर ऑफ दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल को कीजिएगा तो आपका मोबाइल यहां पे पावर ऑफ में चला जाएगा। इस प्रकार से यहां पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहां पे पावर ऑफ में जा चुका है। अब होता क्या है कि अगर आपका मोबाइल यहां पे पावर ऑफ हो चुका है और पावर बटन नहीं वर्क कर रहा है, तब आप यहां पे अपने मोबाइल को कैसे यहां पे ऑन कर पाइएगा। इसके लिए क्या करना है, जो आपके पास जो भी यहां पे एडाप्टर है, जो भी चार्जर है, उसको आपको यहां पे यूज करना है ऑन करने के लिए। ऑन करने के लिए क्या करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों इसको आपको यहां से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट जैसे आप यहां पे कर लीजिएगा, आपको अभी पावर सप्लाई नहीं करना है। और जैसे दोस्तों आप यहां पे पावर सप्लाई कीजिएगा तो आपको ऊपर का जो वॉल्यूम अप बटन देखने मिला, इसको दोस्तों आपको यहां पे प्रेस करके रखना है। तो चलिए मैं यहां पे क्या करता हूं, आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम अप बटन देखने मिला है, मैं यहां पे पावर को सप्लाई करूंगा, और पावर को सप्लाई करने के बाद वॉल्यूम अप बटन को मैं यहां पे प्रेस करके रखूंगा। और प्रेस करने के बाद आप यहां पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलेगा, देख सकते हैं ये ऑप्शन दोस्तों यहां पे आ चुका है। अब
यहाँ पे होता है क्या कि वॉल्यूम अप और डाउन बटन से आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे पावर बटन से आप यहाँ पे रिबूट कर सकते हैं। पर पावर बटन अगर आपका यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे आप अपने मोबाइल को यहाँ पे ऑन कीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 मिनट यहाँ पे वेट करना है। 3 मिनट दोस्तों जैसे आप यहाँ पे वेट कीजिएगा तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे रिबूट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे रिबूट होता है। तो चलिए आप पूरा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, आपने यहां पे देखा कि ऑटोमेटिक यहां पे मोबाइल यहां पे रिबूट होना चालू हो चुका है। और आप यहां पे कुछ देर में देखिएगा तो आपका जो रेडमी का मोबाइल है वो विदाउट पावर बटन का ऑन हो जाएगा। और आप यहां पे पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, मैं यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं और ये देखिएगा आपका मोबाइल यहां पे ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मेरा मोबाइल यहाँ पे ऑन हो चुका है, मैंने यहाँ पे पावर बटन को भी यूज़ नहीं किया और अपने मोबाइल को ऑफ भी कर लिया।